हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे कि करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी अभी फीफा वर्ल्ड कप होके चुका है, तो अब हम इससे आने वाले हमारे जितने भी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम हो, बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सभी में करंट अफेयर्स पूछी जाती है। तो फीफा वर्ल्ड कप एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, जिसमें से इसमें से बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिस पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर हिट भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर पाएं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2018 की बात करें हम, तो इसमें जो वन टीम थी, यानी जिसने मैच जीता, वो थी फ्रांस, जो कि फीफा वर्ल्ड कप कहलाई 2018 की। अब हम प्राइज मनी की बात करें, जो भी चैंपियन टीम थी जिसको प्राइज मनी मिली, तो प्राइज मनी जो भी मिलती है वो मिलती है चैंपियन टीम को, तो वो जो प्राइज मनी मिली थी वो थी 38 मिलियन USD, यानी US डॉलर। तो 38 मिलियन US डॉलर थी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ये है गोल्डन बॉल अवार्ड किसको दिया गया था वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर का, तो वो दिया गया था लुका मॉड्रिक को, जो कि क्रोशिया के थे। ठीक है फ्रेंड्स, गोल्डन बॉल अवार्ड किसको दिया था, वो दिया था लुका मॉड्रिक को, जो कि क्रोशिया से बिलोंग करते हैं। फिर है मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया था, तो मैन ऑफ द मैच दिया गया था एंटोनी ग्रिजमैन को। ये मैन ऑफ द मैच बने थे फीफा वर्ल्ड कप 2018 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया था, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था थिबॉर कोर्टोइस को। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया था, तो आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिए। फिर है फ्रांस ने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप कब जीता था, तो फर्स्ट टाइम फ्रांस ने वर्ल्ड कप जीता था 1998 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइम जीता है उसने, फिर फर्स्ट टाइम जीता 1998 में, तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये है स्टेडियम जहाँ पर 21st एडिशन फाइनल को कंक्लूड किया गया था, जो भी मैच था वो कहाँ किया गया था, तो वो था लुझ्निकी स्टेडियम में। तो ये पूछा जा सकता है कि फाइनल कंक्लूड कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था लुझ्निकी स्टेडियम में। अभी पूछा जा सकता है कि जो अभी फीफा वर्ल्ड कप 2018 हुए थे वो कहाँ पर हुए थे। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये हुए थे रशिया में, और अभी जो नेक्स्ट होने वाला है वो कहाँ होगा, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड इन, यानी फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 है वो कहाँ पर होगा, तो वो होगा कतार में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम वार यानी वीडियो असिस्टेंट रेफरी, ये सिस्टम कब अडॉप्ट किया गया, तो ये इसी साल यानी 2018 में अडॉप्ट किया गया है। इसमें वीडियो असिस्टेंट के थ्रू रेफरी ऑपरेट करेंगे और सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करेंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है कि रनर अप टीम फीफा वर्ल्ड कप 2018 की कौन सी थी, तो फ्रेंड्स सभी लोग जानते हैं कि रनर अप टीम थी क्रोशिया, क्रोशिया को हरा के फ्रांस जीता था। फिर है मोस्ट डिसिप्लिन टीम कौन सी थी, तो मोस्ट डिसिप्लिन टीम थी स्पेन, इसने बहुत ही फेयर गेम खेला था, सारे डिसिप्लिन को फॉलो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिशियल सॉन्ग को क्या था, तो वो था लिव इट अप, जिसने परफॉर्म दी थी विल स्मिथ, निकी जैम एंड एरा एक्सिफ ने। ठीक है, तो ये ऑफिशियल सॉन्ग क्या था, लिव इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया था, तो गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया था हैरी केन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिशियल मैस्कॉट क्या है, तो ऑफिशियल मैस्कॉट का नाम है जेबी वाका। फ्रेंड्स, थोड़ा इसमें इनके जो प्रोनाउंसिएशन है या फिर इनके जो वर्ड्स हैं थोड़े टफ हैं, तो कोशिश कीजिए आप इनको अच्छे से रट लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पेपर में जरूर आएंगे, तो आप इन सबको क्वेश्चंस को रट लीजिएगा। तो फीफा वर्ल्ड कप से इम्पोर्टेंट सिर्फ यही क्वेश्चंस थे,
और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये टोटली फ्री है। और अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो आप उसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं मेरे फेसबुक पेज या फिर मेरे इंस्टा आईडी से। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बने तो आप उसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी अच्छी वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।